नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए बेहतरीन जानकारी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे अंकुरित चनों के कुछ बेहतरीन फायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंकुरित चने खाइए और चमत्कारिक फायदे पाइए। चना ताकत का एक अच्छा स्रोत माना जाता है और यदि अंकुरित हो जाए तो इसके गुण और भी अधिक बढ़ जाते हैं। चनों को अंकुरित करने के लिए सबसे पहले आप साफ पानी से इसे धो लीजिए। इसके बाद इन्हें एक बर्तन में पानी भरकर उसमें चने डालकर रख दीजिए। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको इतना अधिक पानी लेना है कि वो फूलने के बाद भी पानी के अंदर ही समाये रहे, यानी कि पानी से ज्यादा वो ना हो जाए। और करीब 10 से 12 घंटों के बाद इन्हें पानी से छानकर आप बाहर निकाल लीजिए। इसके पश्चात आप इन चनों को एक साफ सूती कपड़े में बांधकर घर के किसी भी गर्म स्थान पर रख दीजिए। लगभग 24 से 36 घंटों के अंदर चने अंकुरित हो जाते हैं। और इस प्रकार से चनों को अंकुरित करने के लिए आपको करीब 2 दिनों का यानी कि 48 घंटों का समय लगेगा। दोस्तों, अंकुरित चनों में कार्बोहाइड्रेट, रेशा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही गजब के फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। 250 ग्राम अंकुरित चनों के अंदर 14.88 मिलीग्राम सोडियम, 176.88 ग्राम पोटेशियम, 37.8 मिलीग्राम कैल्शियम, 1 मिलीग्राम आयरन, 47.28 मिलीग्राम विटामिन सी, 69.44 मिलीग्राम फॉस्फोरस, विटामिन B1, B2, B6 तथा इनके साथ ही और भी अनेक तत्व पाए जाते हैं। 250 ग्राम अंकुरित चनों के अंदर लगभग 37 कैलोरी व्याप्त होती है। तो दोस्तों, ये तो थे अंकुरित चनों के अंदर पाए जाने वाले कुछ पोषक तत्व। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हमें अंकुरित चनों का सेवन करना चाहिए। अंकुरित चने खाने से हमें कई प्रकार के गजब के फायदे प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा अंकुरित चनों का फायदा ये होता है कि ये ताकत से भरपूर होते हैं। अंकुरित चने में सूखे चने से अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंकुरित चनों में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B6, प्रोटीन आदि तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं, जो कि शरीर को भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बन जाता है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसका सेवन बहुत ही गजब का फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। प्रतिदिन 100 ग्राम अंकुरित चने सुबह खाली पेट नाश्ते में खाने से आपको स्वयं ही फर्क देखने को मिल सकता है। यानी कि आप इस प्रकार से 100 ग्राम अंकुरित चनों का सेवन करेंगे तो आप खुद ही अपने अंदर फर्क देख सकेंगे। अंकुरित चनों का दूसरा गजब का फायदा ये होता है कि ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। अंकुरित चने में रेशा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर की पाचन शक्ति को ठीक रखता है। यदि आपको कब्ज की समस्या हो गई है तो इसके नियमित सेवन से ये भी दूर हो जाती है। प्रतिदिन यदि आप खाली पेट अंकुरित चनों को नमक के साथ सेवन करते हैं तो इससे आपको कब्ज में अवश्य ही फायदा प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों को किडनी में पथरी की समस्या होती है वो लोग भी इससे फायदा प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर लोगों को किडनी में पथरी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अंकुरित चनों को प्रतिदिन शहद के साथ मिलाकर खाने से बहुत ज्यादा आपको फायदा प्राप्त हो सकता है। इससे किडनी की पथरी शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकल जाती है। यदि आप चने के सत्तू को खाते हैं तो इससे भी आपको गजब का फायदा प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार से आप अपनी किडनी की पथरी को भी बाहर निकाल सकते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि यह मधुमेह रोग में भी बहुत ही गजब की फायदेमंद साबित हो सकती है। चने को अंकुरित करने से उसके अंदर स्टार्च की मात्रा घट जाती है, जिससे कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाता है। इसके कारण अंकुरित चना मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही गजब का फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे उनके शरीर में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। अंकुरित चने का सेवन सुबह खाली पेट करने से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि आप नियमित तौर पर अंकुरित चनों का सेवन करते हैं तो आप मधुमेह के रोग में भी फायदा प्राप्त कर सकते हैं। अंकुरित चनों का सबसे बेहतरीन फायदा ये होता है कि ये आपके वजन को घटाने में भी मदद कर सकता है। अंकुरित चनों में कैलोरी कम मात्रा में पाई जाती है, परंतु इनमें अनेक पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से यदि आप अंकुरित चनों का सेवन करते हैं तो इससे आपका वजन नहीं बढ़ता है तथा शरीर में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी इससे मिल जाते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले रेशे से हमें पेट भरने का एहसास होता रहता है तथा ये हमारे वजन को कम करने में बहुत ही गजब की शक्ति प्रदान कर सकता है। वजन घटाने के लिए आपको नियमित तौर पर रोज सुबह के समय अंकुरित चनों का सेवन करना चाहिए। अंकुरित चने न केवल पुरुषों के लिए ही फायदेमंद होते हैं, बल्कि ये महिलाओं के लिए बहुत ही गजब के फायदेमंद साबित हो सकते हैं।
अंकुरित चनों में फाइटोएस्ट्रोजन नामक तत्व पाया जाता है जो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकता है। अंकुरित चने में एंटीऑक्सीडेंट व विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा को घटाते हैं, जिससे कि शरीर को कैंसर में बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि महिलाएं भी इसका नियमित तौर पर सेवन करेंगी तो वो भी अपने ब्रेस्ट कैंसर की समस्या से निजात प्राप्त कर सकेंगी। यदि आप नियमित तौर पर अंकुरित चनों का सेवन करते हैं तो आप एनीमिया जैसी समस्या से भी निजात प्राप्त कर सकते हैं। एनीमिया का मुख्य कारण शरीर के अंदर आयरन की कमी के कारण होता है। आयरन की कमी से शरीर में लाल रक्त कणों की मात्रा घट जाती है, जिससे कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। परंतु अंकुरित चनों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि एनीमिया के रोग को ठीक करने में बहुत ही गजब का फायदा प्राप्त कर सकते हैं हम। यदि हम प्रतिदिन सुबह खाली पेट अंकुरित चनों का सेवन करते हैं तो हम इस रोग में बहुत जल्द लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंकुरित चनों का सबसे बेहतरीन फायदा ये होता है कि ये पौरुष शक्ति को और उसकी क्षमता को बढ़ा सकता है। अंकुरित चना पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए एक रामबाण इलाज माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अंकुरित चने को शहद के साथ मिलाकर खाने से आपको बहुत ज्यादा फायदा प्राप्त हो सकता है और इससे पुरुषों के अंदर नपुंसकता के रोग भी दूर हो सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार से प्रतिदिन अंकुरित चनों का शहद के साथ सेवन करते हैं तो आप शीघ्र पतन और नपुंसकता की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जिन लोगों को यूरिन संबंधी रोग होते हैं वो भी अंकुरित चनों के सेवन से फायदा प्राप्त कर सकते हैं। यूरिन संबंधी रोग होने पर भी अंकुरित चने बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसमें न केवल अंकुरित चने बल्कि यदि आप इन्हें भूनकर भी खाते हैं तो आप बार बार पेशाब आना जैसे कई रोगों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। त्वचा की रंगत को निखारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंकुरित चनों को न केवल खाने से बल्कि आप इसका यदि एक पेस्ट बनाएंगे तो आप इससे अपनी त्वचा की रंगत को भी निखार सकेंगे। इसके लिए आपको एक फेस मास्क तैयार करना होता है। त्वचा की रंगत को निखारने के लिए भी आप अंकुरित चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको भीगे हुए चनों को दूध के साथ पीसकर इसके अंदर शहद और हल्दी मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है, और यदि आप इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो इससे आपका रंग साफ हो जाता है और इससे आपकी त्वचा चमकदार व मुलायम भी हो सकती है। जिन लोगों को मानसिक तनाव की शिकायत होती है वो भी अंकुरित चनों का सेवन करके इनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। रात के समय चनों को भिगोकर रख दीजिए और सुबह इन्हें पीसकर चीनी व पानी मिलाकर पीने से मानसिक तनाव व उन्माद की स्थिति में आपको काफी राहत प्राप्त हो सकती है। तो यदि आप इस प्रकार से अंकुरित चनों का सेवन करते हैं तो आप डिप्रेशन यानी कि मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से भी निजात प्राप्त कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में काले चनों को भिगोकर खाने से शरीर में गर्मी का स्तर बना रहता है और वात के रोगों या फिर जोड़ों के दर्द की समस्या में आपको फायदा प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अंकुरित चनों का सेवन करके कई तरह के फायदे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको इनका सेवन करने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको कुछ सावधानियां भी इसके साथ बरतनी चाहिए। वैसे तो अंकुरित चनों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका पेट खराब हो तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अति हानिकारक होती है। यदि आप चनों का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके पेट में अफारा हो सकता है। कम उम्र के बच्चों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब जब भी अंकुरित चनों का सेवन करते हैं तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आप इन्हें चबा चबा कर ही खाएं, नहीं तो आपको पेट में अफारे की शिकायत हो सकती है। और जिन लोगों को अंकुरित चने हजम नहीं होते हैं वो इसके बाद हरड का भी सेवन कर सकते हैं। हरड उन्हें चूस चूस कर खानी होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी अंकुरित चनों के बारे में पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपके पास नई व रोचक जानकारियाँ भेज सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।